Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 4 है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। हमने ये देख लिया टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का रेट क्या है। सो टेक्टोनिक प्लेट के जो मूवमेंट्स हैं उसको साइंटिस्ट ने किस तरीके से समझा। When the scientist went ahead and started studying the magnetic field stripes that usually go ahead and show कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, क्योंकि हमारी अर्थ की क्रस्ट, अर्थ का जो मैंटल है, कोर होता है, ये एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करता है। तो अगर प्लेट्स शिफ्ट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट होगी। सो दैट इज अ पॉइंट साइंटिस्ट टुक इनटू कंसिडरेशन। उन्होंने सोचा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से हम जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं और उनका रेट भी पता कर सकते हैं कि किस स्पीड से ये लोग मूव हो रहे हैं। सो दे वेंट अहेड एंड स्टार्टेड स्टडीइंग एंड बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स निकल कर आते हैं। एक फैक्ट निकल कर आता है कि ये जो प्लेट्स होती है, ये सभी प्लेट्स किसी एक स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे नहीं मूव होती दोस्तों। द स्पीड ऑफ दीज प्लेट्स कीप ऑन वराइंग। फॉर एग्जाम्पल जो आर्कटिक रिज है वो अर्थ की क्रस्ट पे सबसे स्लो मूव होने वाली रिज है दोस्तों, और ये प्लेट है जिसके अंदर अगर मूवमेंट रेट देखें तो इट इज जस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स अप और डाउन गिवन इन अ ईयर। मतलब एक साल में ये रिज 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं मूव होती है। वहीं पर अगर बात करें ईस्ट पैसिफिक राइज की, जो कि ईस्टर आइलैंड्स के आसपास का एरिया है, ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर्स का एरिया है, इट कीप्स ऑन मूविंग एट अ रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर ईयर। अब आप ये सोच सकते हैं कि आपके घर के सामने आपने एक लेटर बॉक्स लगा के रखा है, वो हर साल 15 सेंटीमीटर, आधा फुट, यू नो, गिव और टेक, इधर उधर होता रहता है। So this actually creates a huge difference also. See, 2.5 सेंटीमीटर चेंज इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर आपने अपने घर की फाउंडेशंस बना रखी है, 15 सेंटीमीटर आपके घर के पिलर्स इधर उधर हो रहे हैं एवरी ईयर। सो यू कैन सी द डिफरेंस दैट इट कैन ब्रिंग। प्रॉबेबली एक 10 साल के पीरियड के अंदर आपका घर 1 मीटर रिप हो चुका होगा। So this is basically the movement rate of different plates. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।